गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 26 सितंबर 2020 और आज हम लोग 26 सितंबर का करेंट अफेयर्स करेंगे। आज के करेंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करेंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाए जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? When is World Pharmacist Day celebrated? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 25 सितंबर को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, पूरे विश्व भर में 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, वर्ष 2020 के लिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस का थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द 51st इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? तो यह है गोवा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन इसी वर्ष यानी 2020 में 20 से 28 नवंबर को किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अब इसका आयोजन 2021 में 16 से 24 जनवरी के बीच में किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? गोवा में किया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है इंडिया का मैप और ये है गोवा। गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 2। और अभी प्रेजेंट टाइम में गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। क्या नाम है उनका? सत्यपाल मलिक। गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 40। गोवा में लोकसभा का सीट कितना है? 2। गोवा में राज्यसभा का सीट कितना है? 1। फ्रेंड्स, गोवा का बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा का लैंग्वेज कौन सा है? कोंकणी। गोवा का हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्त। क्या नाम है उनका? दीपांकर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई देशों के बीच सहयोग और CICA के विदेश मंत्रियों की विशेष मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से कौन भाग लिए हैं? रिसेंटली हु पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन द कोऑपरेशन बिटवीन एशियन कंट्रीज एट द स्पेशल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द CICA फॉरेन मिनिस्टर्स? तो यह है सुब्रमण्यम जयशंकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एशियाई देशों के बीच सहयोग और CICA के विदेश मंत्रियों की विशेष मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए हैं। फ्रेंड्स, इस बैठक में सुरक्षा सहयोग के लिए सभी एशियाई देशों ने अपनी अपनी सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीन जोन्स का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली डीन जोन्स हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो ये पूर्व क्रिकेटर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है और ये क्रिकेटर होने के साथ साथ एक फेमस कमेंटेटर भी थे। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1984 से की थी और इन्होंने अपने कैरियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच और 164 वनडे मैच खेला है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है, इनका क्या नाम था? डीन जोन्स, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक एकीकृत पोर्टल यू राइज लॉन्च किया है?
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च एन इंटीग्रेटेड पोर्टल यू राइज, तो यह है उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है और उसका नाम क्या है, यू राइज। फ्रेंड जब हम बात करते हैं इस पोर्टल की यानी यू राइज पोर्टल की, तो ये पोर्टल छात्रों को सीखने, कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस पोर्टल पर छात्रों के लिए ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स अब इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का स्टेट मैमल का क्या नाम है, बारहसिंगा, जो आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के स्टेट बर्ड का क्या नाम है, सारस क्रेन, और यह है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है, पलाश। फ्रेंड्स यह है पलाश। उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री क्या है, अशोक, और फ्रेंड्स यह है अशोक का ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल, तो यह है नरेंद्र मोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स ये प्रोटोकॉल लोगों को फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी दिनों में कौन बैंक संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे शुरू करेगा, रिसेंटली विच बैंक विल इंट्रोड्यूस कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड फैसिलिटी सेफ पे इन द कमिंग डेज, तो यह है IDFC फर्स्ट बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स अभी आने वाले दिनों में IDFC फर्स्ट बैंक संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा जिसका नाम है सेफ पे लॉन्च करेगा। बैंक द्वारा जो भी जारी किया गया डेबिट कार्ड है उसके माध्यम से सेफ पे सुरक्षित भुगतान सक्षम बनाने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स सेफ पे के थ्रू प्रति लेन देन 2,000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है और इसकी दैनिक सीमा होगी 20,000 रुपए तक। फ्रेंड्स अभी इस फैसिलिटी को प्रदान किया जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा, तो हम लोग IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। IDFC बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था, अक्टूबर 2015 में। फ्रेंड्स IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, और अभी प्रेजेंट टाइम में IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO कौन है, वी वैद्यनाथन, क्या नाम है उनका, वी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोच कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मोच कलश स्कीम 2020 रिसेंटली, तो यह है राजस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस योजना को मंजूरी दी है और फ्रेंड्स इस योजना का नाम क्या है, मोच कलश योजना 2020। फ्रेंड्स इस योजना के थ्रू मृतक परिवार के किन्हीं 2 सदस्यों को अस्थियां विसर्जित करने के लिए मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी जाएगी। अब इस योजना को स्टार्ट किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, तो हम लोग राजस्थान से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। फ्रेंड्स राजस्थान का फेमस नेशनल पार्क कौन कौन सा है, रणथंभौर, डेजर्ट, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स। राजस्थान में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कैला देवी, रामगढ़ विषधारी, बस्सी, गजनेर, कुंभलगढ़, माउंट आबू, सीता माता और दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने अपनी स्थापना के कितने साल पूरे कर लिए हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, तो यह है 3 इयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने अपनी स्थापना के 3 साल पूरे कर लिए हैं। फ्रेंड जब हम बात करते हैं इस योजना की, तो इस योजना को स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2017 को। इस योजना को लॉन्च करने का मेन पर्पस था शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान करना। फ्रेंड्स इसी योजना ने अपनी स्थापना के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना के तहत अब तक 2,62,00,000 से अधिक घरों में बिजली का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू गिव 50,000 रुपीज टू इच दुर्गा पूजा कमिटी इन द स्टेट? तो यह पश्चिम बंगाल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा राज्य में प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए देने का घोषणा किया गया है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस महामारी के कारण दुर्गा पूजा समितियों के लिए चंदा इकट्ठा करना काफी मुश्किल होगा, और इस दुर्गा पूजा के आयोजन में राज्य की पूजा समितियों को आर्थिक परेशानी नहीं हो, इसी के लिए यहाँ की राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस साल पूजा समितियों को नगर निगम और स्थायी निकायों को कोई कर नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही साथ पूजा समितियों को बिजली बिल में 50% की छूट भी मिलेगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यह है इंडिया का मैप और यह है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 23। और अभी प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 295। यहाँ लोकसभा का सीट कितना है? 42। और वेस्ट बंगाल में राज्यसभा का सीट कितना है? 16। फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। वेस्ट बंगाल का इंटरनेशनल बॉर्डर कंट्री कौन कौन सा है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। फ्रेंड्स, यहाँ का लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली। वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, कोलकाता। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? थोटल थील बी राधा कृष्णन। क्या नाम है उनका? थोटल थील बी राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? रिसेंटली ये वेबिनार ऑन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये है इजराइल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी भारत और इजराइल देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है, और इस वेबिनार में दोनों देशों के रक्षा सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, इस वेबिनार के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पे जोर दिया गया है, और साथ ही साथ अगले 5 वर्षों में $5 अरब के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू सेकेल। इजराइल का लैंग्वेज कौन सा है? हेब्रू। और अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? रियुवेन रिवलिन। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है, उनका सपत था। रिसेंटली एसपी बाला सुब्रमण्यम हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये गायक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी फेमस गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1966 में एक तेलुगु फिल्म से की थी। इन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए थे और इन्हें शंकर भरनम के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? एसपी बाला सुब्रमण्यम, और ये एक सिंगर थे। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स का सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ टास्क फोर्स ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन फुटबॉल? तो ये है डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली को एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स का सदस्य अपॉइंट किया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है, तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन का आंसर डेली दिया कीजिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक? तो इसका ऑप्शन है अजय बंका, चंद्रशेखर घोष, जेबी भोरिया और एके दीक्षित। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स।